की याद है केदारनाथ सिंह, गेहूं नूर मियाँ, ठिंगने नूर मियाँ, रामगढ़ बाजार से सुरमा बेचकर सबसे अंत में लौटने वाले नूर मियाँ, क्या तुम्हें कुछ भी याद है केदारनाथ सिंह? तुम्हें याद है मदरसा, इमली का पेड़, इमामबाड़ा? तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक 19 का पहाड़ा? क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर जोड़ घटाकर यह निकाल सकते हो कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर क्यों चले गए थे नूर मियाँ? क्या तुम्हें पता है इस समय वे कहाँ हैं, ढाका या मुल्तान में? क्या तुम बता सकते हो हर साल कितने पत्ते गिरते हैं पाकिस्तान में? तुम चुप क्यों हो केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हारा गणित कमजोर है? सन 47 को याद करते हुए यह शीर्षक उस कविता का है, जिसमें नूर मियाँ एक पात्र आते हैं जो मेरे पड़ोसी थे। एक्चुअल सही मानी में एक व्यक्ति था नूर मियाँ नाम का, जो मेरे पड़ोस में रहता था, मेरे परिवार से बचपन में जिसके बड़े घनिष्ठ रिश्ते थे। लेकिन 47 के बाद वो सारे सुपरिचित लोग, अत्यंत परिचित, जिनसे गहरा रिश्ता समाज और परिवार के स्तर पर था, ऐसे जो अल्पसंख्यक थे, धीरे धीरे वो गायब होते गए। उन गायब होने वालों में नूर मियाँ भी थे। तो वो एक कम्युनिटी जो हमारे साथ थी, हमारे समाज का हिस्सा, ग्रामीण समाज का हिस्सा थी, उसका गायब हो जाना, उसका बस्ती को छोड़ के जाना एक बड़ी घटना है, बड़ी त्रासदी है। तो उस त्रासदी के छोटे से बिंदु को पकड़ने की चेष्टा। जब 1988 में उनका चौथा काव्य संग्रह अकाल में सारस प्रकाशित हुआ, तो इसे केदारनाथ सिंह ने त्रिलोचन को समर्पित किया। इसके कुछ बरस बाद उनकी लंबी कविता बाघ छपी, तो उसमें भी अचानक कवि त्रिलोचन केदारनाथ सिंह के आगे आगे जाते हुए दिखलाई पड़ जाते हैं। सवेरे सवेरे एक बच्चा रो रहा था, उसके हाथ से गिरकर अचानक टूट गया था उसका मिट्टी का बाघ, एक छोटा सा सुंदर बाघ जो तारों से लड़ चुका था चांद और सूरज और समुद्री डाकुओं से। ठीक उसकी आंखों के आगे उसके हाथ से गिरा और खन्ने से टूट गया, और अब वो रो रहा था क्योंकि अब वो हैरान था कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ कितनी आसानी से गिरी और टूट गई। सुनहली धूप में उसकी आंसू भरी आंखें अब भी टिकी थीं अपने गिरे हुए बाघ पर, कि अचानक उसे लगा कि बाघ जरा हिला, अपने टुकड़ों के भीतर से वह तलमलाता हुआ उठा और देखते देखते छलांग लगा खिड़की से चला गया बाहर। अब क्या किया जाए, मैं सोच ही रहा था कि मुझे सड़क पर दिख गए कवि त्रिलोचन। मैंने कहा, शास्त्री जी, बच्चा रो रहा है, कुछ तो करना होगा। बोले, चलो ले आते हैं दूसरा बाघ। मैंने कहा, नहीं, वो ज़िद पर अड़ा है, उसे चाहिए वही और सिर्फ वही बाघ जो कि टूटने से पहले वह था। वे हिले, फिर उनकी आँखों में आ गई एक अद्भुत चमक, बोले, चलो वही लाते हैं। मैंने पूछा, वही कहाँ मिलेगा? मिलेगा, उन्होंने कहा, कहीं न कहीं किसी कुम्हार की आंखों में होगा ज़रूर, जस का तस। मैंने शक नहीं किया, हो लिया उनके साथ। तब से कितना समय बीता, हम अब भी चल रहे हैं, आगे आगे कवि त्रिलोचन, पीछे पीछे मैं, एक ऐसे बाघ की तलाश में जो एक सुबह धरती पर गिरकर टूट जाने से पहले वह था।